चने दाल का एकदम टेस्टी कुरकुरे पकोड़े बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे मैं 1 कप चने का दाल ले ली थी और इनको मैं 2-3 घंटा के लिए पानी में भिगो कर रख दी थी। ये बहुत अच्छी तरीके से फूल गई है, आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे है ना, आप बेसन का भी पकोड़े बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे चने का दाल से बनाऊंगी पकोड़े। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और आप लोग देखिए कि मैं कैसे बनाती हूँ। इतना ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी कि आप खाते ही रह जाएंगे, इतना ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिएगा कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो इनका मैं पानी निकाल दी हूँ, अब इनको मैं मिक्सी के जार में डाल देती हूँ चने के दाल को। उसके बाद यहाँ पे मैं डालूँगी 2 हरी मिर्च कटा हुआ अपने टेस्ट के अनुसार, और यहाँ पे मैं डालूँगी लहसुन अदरक छोटा छोटा टुकड़ों में करके, और 1 बड़ा सा प्याज मैं यहाँ पे डालूँगी काट कर। आप यहीं पे दाल में ही सब कुछ डाल दीजिए, और स्वाद अनुसार नमक मैं डाल देती हूँ। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा ही, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो ये फिर गीला हो जाएगा बैटर। तो इनको मैं पीस लेती हूँ। तो ये देखिए मैं इनको पीस ली हूँ। अब एक बाउल में इनको मैं निकाल लेती हूँ, और कैसा बैटर को रखना है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए दोस्तों, थोड़ा सा है ना दरदरा रखिएगा, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं कीजिएगा, एकदम दरदरा रखिएगा। अगर फाइन पेस्ट ही करना था तो बेसन का भी मैं बना सकती थी। यहाँ पे मैं हल्दी पाउडर डाल देती हूँ, थोड़ा सा काली मिर्च जीरा पाउडर, थोड़ा सा हींग डालूँगी डाइजेस्ट के लिए। उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। अब इनको हम अच्छी तरीके से है ना फेंट लेंगे दोस्तों। यहाँ पे आप इस तरीके से है ना कंटिन्यू 5 मिनट तक इस तरीके से फेंटना है। आप इनको 5 मिनट तक फेंटते रहेंगे ना, ये फ्लफी हो जाएगा, थोड़ा ये फूल जाएगा। अब यहाँ पे हम कढ़ाई में ऑलरेडी तेल गर्म होने के लिए रख दिए थे। तेल ये सरसों का तेल है, आप रिफाइन में भी छान सकते हैं, लेकिन जितना सरसों के तेल में आप पकोड़े छान कर खाएँगे ना, जितना इसमें टेस्टी लगेगा उतना रिफाइन में नहीं लगेगा। तो अब इस तरीके से हम डाल दिए हैं तेल में। अब ये तेल के ऊपर आ जाएगा ना, तो इनको हम अलट पलट कर देंगे, और इनको है ना थोड़ा सा गैस का फ्लेम है ना मीडियम रखिएगा और सेकिएगा, क्योंकि चने का दाल का बना रही हूँ ना, थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है। अगर तेज़ आंच पे कीजिएगा ना तो अंदर से ये कच्चा रह जाएगा, तो कच्चा कच्चा का टेस्ट आएगा। तो इनको करीब 10 मिनट लगा है तलने में। तो अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। अब इसी तरीके से है ना हम सारे पकोड़े को तल लेते हैं। तो ये भी हो गया है, आप इनकी आवाज़ सुनिए कितना ज़्यादा ये क्रिस्पी है ना। तो यहाँ पे हम सारे पकोड़े को है ना तल लिए हैं। तो ये देखिए दोस्तों, खड़े चने के दाल के पकोड़े बनकर बिल्कुल रेडी हो गया। आप इनको है ना कोई भी चटनी के साथ, चटपटा चटनी के साथ आप सर्व कर सकते हैं। तो पहले आप देख लीजिए इसमें कितना जाली जाली बना हुआ है ना, और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बना और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। आप बेसन का पकोड़े और चने दाल को पीसकर उनका पकोड़े खाएंगे ना, दोनों में बहुत ही ज़्यादा आपको अंतर लगेगा। आप चने दाल को पीसकर पकोड़े बनाएंगे ना, इनका एक अलग ही टेस्ट आएगा, और चने दाल का बेसन जो होता है उनको आप उनका पकोड़े बनाएंगे ना, तो उनका भी टेस्ट एक अलग ही होता है। लेकिन सबसे बेटर इनका टेस्ट लगता है। आप इनको चाय के साथ खा सकते हैं, या फिर ऐसे भी चट कर जाएंगे, इतना ज़्यादा ये टेस्टी है। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।